योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल 100 दिन लक्ष्य उपलब्धियों को गिनाया प्रभारी मंत्री अनिल राजभर। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर प्रदेश सरकार के मंत्री गोंडा के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों भाजपा के पदाधिकारी विधायकों के साथ की बैठक, मीडिया के साथ किया प्रेस वार्ता। उत्तर प्रदेश की भाजपा योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 100 दिन लक्ष्य पूरा होने को लेकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। पहले कैबिनेट में फ्री राशन देने के ऐलान से लेकर हाल ही में हुए यूपी इन्वेस्टर्स समिट तक तमाम बड़े कदम उठाए गए। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में देश ही नहीं दुनिया के कई नामी उद्योगपतियों ने भी हिस्सा लिया। आइए जानते हैं 100 दिन में योगी सरकार के लक्ष्य और उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड। इस योजना के तहत सरकार को यहां के उत्पादों को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने में मदद की है। इसी तरह 100 दिन के अंदर 10,000 सरकारी नौकरियां दी है। गृह विभाग के माध्यम से इसको पूरा करने का काम किया है। 16,000 करोड़ के ऋण वितरण का काम किया है। साल भर का टारगेट भी सरकार ने रखा हुआ है। सरकार ने 100 दिन पूरे होने से पहले विभागों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सरकार बनते ही विभागों के लिए 100 दिन 6 महीने 1 साल 2 साल और फिर 5 साल के लिए लक्ष्य रखे गए हैं। इसके तहत 100 दिनों का लक्ष्य 30 जून तक हर हाल में पूरा करना है। इस संबंध में मुख्य सचिव स्तर पर सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए थे। यूपी में लोकसभा उपचुनाव में रामपुर व आजमगढ़ जनता ने दिया आशीर्वाद। भाजपा की जीत विपक्षियों की हार के बारे में प्रभारी मंत्री ने बताया, मीडिया को योगी की बात को भाजपा बात को जनता पसंद करती है कि समाजवादी की बात को अभी 100 दिन के पहले जनता ने अपना फैसला दे दिया, इससे सबक लेना चाहिए, कुछ सुझाव देंगे, जमीनी सच्चाई को जाना है, भावनाओं का आदर करें, नीति अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये बात अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इशारों में कहा। बैठक में भाजपा विधायक बावन सिंह प्रभात वर्मा, अजय सिंह भाजपा जिला अध्यक्ष, अमर किशोर कश्यप उर्फ बम्बम, डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार, सीडीओ गौरव कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, डीपीआरओ, श्रम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार श्रम एवं सेवा योजना व समन्वय विभाग के मंत्री व गोंडा के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2017 में सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारण करते हुए बेहद कारी योजना बनाई, उस पर काम किया, बड़े सार्थक परिणाम। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने काफी लंबे समय के बाद किसी भी सरकार की पूर्ण आवर्ती कराई है, एक इतिहास बनाते हुए। इसलिए दूसरे कार्यकाल में भी योगी जी की सरकार ने एक समय सीमा निर्धारित रखा था, एक लक्ष्य बनाते हुए एक बड़ी कारी योजना बनाई। 100 दिन का एक लक्ष्य निर्धारित किया, हर विभागों को एक लक्ष्य दिया गया, उस पर सभी विभाग के मंत्रीगण, सभी विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, आज सभी लोग सामूहिक प्रयास किया, आज परिणाम हम लोगों के सामने है। सरकार ने 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया, फिर 6 महीने का लक्ष्य रखा, 1 साल का लक्ष्य निर्धारित किया, फिर 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया, फिर 5 साल का लक्ष्य निर्धारित किया। एक बड़ी कार्ययोजना बनाकर सिस्टम के साथ एक व्यवस्थित तरीके से सरकार ने कामकाज शुरू किया। मंत्रिमंडल का समूह मंडलवार दौड़े कर रहा है, जनता स्वागत कर रही है, सरकार की सक्रियता धरातल पर दिखाई दे रही है, जिसका परिणाम हम लोगों के सामने, जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सरकारों को मिल रहा है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के सरकार को मिल रहा है, उदाहरण सभी आजमगढ़ के उपचुनाव में और रामपुर उपचुनाव में देखने को मिला कि हर प्रकार के बंधन को तोड़कर, विशेषकर जातीय बंधन को तोड़कर, जनता ने कमल के बटन को दबाकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार वहीं की सम्मानित जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। यह हमारी कार्य पद्धति है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है, यह जनता के भरोसा जीत रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री गोंडा के प्रभारी मंत्री अनिल, उसके लिए आप सब लोगों को बधाई देता हूं। खुश का विषय है, पिछले बार भी ऐसे ही लक्ष्य निर्धारित किया था हम लोगों ने, नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में एक बृहद कार्य योजना सरकार ने बनाया था और उन योजनाएं सभी धरातल पर उतरे, उसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई। उसी तर्ज पर जब उत्तर रोल करें, 2017 में सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए बृहद कार्य योजना बनाई, उस पर काम किया, बड़े सार्थक परिणाम उसके आए और उसका परिणाम कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने काफी लंबे समय के बाद किसी भी सरकार की पुनरावृत्ति कराई है।
एक इतिहास बनाते हैं। इसलिए दूसरे कार्यकाल में भी योगी जी की सरकार ने एक समय सीमा निर्धारित करते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं, एक बड़ी कार्य योजना बनाई, 100 दिन का एक लक्ष्य निर्धारित किया, हर विभागों को एक लक्ष्य दिया गया और उस पर सभी विभाग के माननीय मंत्रीगण, सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, सब लोगों ने मिलकर सामूहिक प्रयास किया। आज परिणाम हम लोगों के सामने है। सरकार ने 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया है, फिर 6 महीना का लक्ष्य निर्धारित किया है, फिर 1 साल का लक्ष्य निर्धारित किया है, 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया है, 5 साल का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम लक्ष्य निर्धारित करके एक बड़ी कार्य योजना बनाकर एक सिस्टम के साथ एक व्यवस्थित तरीके से सरकार ने कामकाज शुरू किया है। मंत्रिमंडल का समूह मंडलवार दौरे कर रहा है, जनता स्वागत कर रही है, सरकार की सक्रियता धरातल पर दिखाई दे रही है, जिसका परिणाम हम लोगों के सामने है। जनता का भरपूर आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल रहा है, जिसका उदाहरण अभी आजमगढ़ के उपचुनाव में और रामपुर के उपचुनाव में हम लोगों को देखने को मिला। हर प्रकार के बंधनों को तोड़कर, विशेष तौर पे जातीय बंधन को तोड़ते हुए, कमल के निशान के बटन को दबाकर भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, वहाँ की सम्मानित जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। ये जो हमारी जो कार्य पद्धति है, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है, जो जनता का भरोसा जीत रही है, जो जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है सरकार ने, ये उसी का परिणाम है।